इडली के घोल के लिए हमें चाहिए, हमने थोड़ी सी इडली का घोल बनाने के लिए सूजी ली है, उसको दही में अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, अंदर उसमें नमक डाल दिया है और थोड़ा सा नींबू डाल दिया है और एक चुटकी हमने मीठा सोडा डाला है, देख लीजिए आप। और हमने एक प्लेट ले ली है इडली वाली, अच्छे से मिक्स घोल को अब हमें इसमें चिकनाई लगा दी है हमने, अब हमें अच्छे से इसको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हमें डालना है। और हमने इडली कुकर को चढ़ा दिया है पानी डाल के, फिर हमें उसको इस प्लेट को उस पर रख देना है ताकि हमारी गरम गरम इडली बनकर रेडी हो जाए। से ये हमारा इडली कुकर है, इसमें चढ़ा दे देना है और लीड से कवर कर देना है। थोड़ी ही देर में हमारी गर्मा गर्म इडली बनकर तैयार हो जाएगी गाइस।